अस्सलामुअलैकुम, दिस मेट मोहम्मद सिंह, वेलकम टू माय YouTube चैनल। ये है जी हमारा गांव खरमा, और ये है जी हमारा चाय जान। और आप इस दर के बारे में कुछ कहेंगे? कोई 800 साल पुराना एक दरख्त है। अच्छा, चिनार का दरख्त। ये मेरे बाबा जान, मेरे भाई जान ऊपर दरख्त में चढ़े हुए। कैसे लग रहा आपको इधर खरमा में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और पुरानी यादें ताज़ा हो गई आपकी। और आपको हम मिलवाते चले चाचा जान से। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम करें। वालेकुम सलाम। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बस 10 साल बाद आया था, बहुत अच्छा लगा। हमारे चाचा जान कल बोल रहे थे कल नहाएंगे दरिया में, आज कल इंशाल्लाह आज तो हम जा रहे हैं, कल नहाएंगे, कल नहाएंगे। और आप ऊपर चढ़े थे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, चढ़ के दिखाऊंगा। अच्छा, चढ़ के दिखाएं। आप देख सकते हैं चाचा जान चढ़ पाए। ये दोनों भाई ऊपर जाते हुए, माशाल्लाह। मुश्किल नहीं ऊपर आना? नहीं, मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है। तो आज हम मतलब कल आए थे खरमा में, और हमारे साथ आई है तीन गाड़ी की गाड़ी है, एक वो टी जेड है और एक ब्लैक हाइमी है, पता नहीं शायद कौन सी है। तो आइए हम आपको खामोश आबशार से मिलेंगे, क्योंकि हम सब जाएंगे खामोश आबशार। तो ये है जी मेरे बेस्ट भाई के बेटे, और ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई माशाल्लाह से। इनका अफ्रीका में बहुत अच्छा बिजनेस है, इनका खुद जाती चार पांच बेकरी है, पांच बेकरी है, एक रेस्टोरेंट है, और एक गुरची है माशाल्लाह से। और आपको कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये आपका किस तरह आपका अफ्रीका में बहुत ये हमारे वालिद साहब, वालिद मोहतरम, और ये इनके बेस्ट फ्रेंड सैयद मुजम्मिल रिजवी। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इस तरह मतलब फ्रेंड हो से, क्लोज हो, ऐसा ही है बाबा। तो आपको इधर आके कैसा लग रहा आप दोनों को? कितने साल बाद आए आप? 10 साल बाद। और इस तरह कहीं मतलब मंटो आबशार अच्छा है या खामोश आबशार? याली अच्छी है गर्मी, क्योंकि हम कल से सफ़र कर रहे हैं, और कल सुबह निकले थे, रात को हमारे गांव में खरमा में रहे थे, और अभी खरमा से अभी आबशार में हैं, और हमने खाना भी खा लिया है, अच्छा तस्वीरें भी बहुत ले ली है, व्लॉग भी बनानी। तो आज को लोग यहाँ पे एंड करते हैं, अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नंबर नहीं भूलेगा। अब जब आएगा दो में याद नंबर मत भूलेगा। अल्लाह।